फर्स्टली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर, और आज प्रीव्यू है तो यूएनबी का क्या खासियत है, कुछ आज बताइए उसके बारे में. Hi, my name is Irshad Khan and I'm creative director with You and Me, cosmetic clinic spine salon. You and Me की specialty ये है कि under one roof you get all the services from top to toe. We have dermat cosmetologist on board for your scientific or medically treatments like nourishment treatments, liposuctions, botox fillers, everything. Apart from that, हमारा जो ब्यूटी सैलून सेगमेंट है, इन दैट हम सारे ब्यूटी और हेयर के जो सर्विसेज हैं उसमें वो प्रोवाइड करते हैं, जो कि सब लेटेस्ट और अपडेटेड अप टू द मार्केट है विथ ऑल द लेटेस्ट एंड अल्ट्रा मॉडर्न गैजेट्स. प्लस वी हैव स्पास, वी हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सूदिंग स्पास लाइक लोमी लोमी, वी हैव बैम्बू मसाज. With apart from that, we have nails. In that nail segment, we have all the extensions. Again, मैं वही कहूँगा सब अपडेटेड और लेटेस्ट हैं. जो कुछ आपको यू एन मी में मिलेगा वो सब यूनिक ही होगा, बिकॉज यू एन मी एस्टेब्लिशमेंट में सारी स्टडीज़ के बाद ही आया कि हमको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए मार्केट में, किस चीज़ की कमी है, वो हम प्रोवाइड करें. जहाँ जहाँ हम लोगों को लगा कि ये चीज़ मिसिंग है, ये होना चाहिए था, तो अब ओनर मिस्टर बब्लू अजीज़ बारुदकर केम इनटू दिस यू नो बिजनेस. उन्होंने ये स्टार्ट किया एंड वी हैव अ ह्यूज टीम एंड एवरीबॉडी इज़ सो क्वालिफाइड एंड वेल अपडेटेड विद द नॉलेज, बी इट अ मेकअप, बी इट अ नॉरिशमेंट ट्रीटमेंट और अ फेशियल और अ हेयर ट्रांसप्लांट और अ पेडिक्योर, यू विल फाइंड डिफरेंट. हर चीज़ में यहाँ एक खूबी है, हर चीज़ का अलग अंदाज और तरीका है. जो भी आपको मिलेगा शायद आपको ये कहने पे मजबूर करेगा कि वाह मज़ा आ गया, ऐसा कहें कि करवाया नहीं था. दैट्स इट. और इसको हम यू एन मी कहते हैं. दिस इज़ यू एन मी कॉस्मेटिक क्लिनिक ब्यूटी सैलून स्पाइन नेल्स. थैंक यू सर. ये पहली बार है ऐसा कि एक सैलून में जहाँ पे लाइक कॉस्मेटिक जो भी सर्ज एक लाइक बोटॉक्स वगैरह है, मेडिकेशन वाली चीज़ें भी यहाँ पे हो रही है, तो ये यूनिक थॉट कहाँ से आया उसके बारे में? यूनिक थॉट नहीं, इसको आप कह कई बार देखा है, बिकॉज आई एम इनटू दिस ग्लैमर इंडस्ट्री, इनटू दिस फील्ड सिंस लास्ट 30 इयर्स, आई थिंक बहुत लंबा टाइम है ये. और मैंने देखा कि एक ही रूफ के नीचे हर चीज़ नहीं अवेलेबल है, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है. तो अभी भी हमको यहाँ लगता है कि समथिंग इज़ मिसिंग, तो अभी वी आर प्लानिंग टू कंप्लीट दैट मिसिंगनेस. हम लोग जल्दी ही वो कमी पूरी करने जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, मिस्टर बब्लू अजीज़ प्लानिंग टू ओपन फ्यू मोर ब्रांचेज ऑफ यू एंड मी इन मुंबई एंड आउट ऑफ कंट्री ऑल्सो. तो वेरी सुन इंशाल्लाह यू विल फाइंड अस एवरीवेयर. कस्टमर को और जो भी यहाँ पे आएंगे अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, कुछ उनको स्पेशल फैसिलिटी मिलने वाली है, कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे? मैं समझा नहीं कि क्या स्पेशल फैसिलिटीज मतलब उनको मिलेगी, लाइक यूनिक एक के ऊपर कुछ बोनस टाइप या ऐसा कुछ? इट डिपेंड्स कि हमारा कस्टमर क्या करवा रहा है, या कितना पुराना कस्टमर है, या क्या क्या सर्विसेज करा रहा है. तो हम लोग की खुद ही ड्यूटी बन जाती है कि इफ़ हमारा कोई कस्टमर इतना कुछ करा रहे थे, वी ट्राई टू गिव समथिंग कॉम्प्लीमेंट्री. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वी हैव मेंबरशिप एंड हमारी मेंबरशिप भी बहुत अच्छी है. अच्छी इन द सेंस के फॉर आवर मेंबर्स वी प्रोवाइड 20% डिस्काउंट एंड प्लस every six service, same six service I mean to say, is free from our side. Like after five pedicures we provide six pedicure from our side. This thing goes with all the services. वो कोई सी भी services हो, अगर वो अगर six number की services होगी तो वो free होगी हमारे तरफ से. My pleasure. I think it's really
ब्यूटीफुल क्योंकि जैसे ही एंटर किया तो जो एम्बियंस था, एनवायरनमेंट था, इट वाज सो पॉजिटिव, इट वाज सो रिलैक्सिंग. एंड देन यस डेफिनेटली मैंने जब मौका मिला तो मैंने ये फैसिलिटी यूज़ करी एंड इट्स रियली रियली वेरी रिलैक्सिंग. जो टेक्नीशियन हैं वो बहुत अच्छे हैं. आपको और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ आना है, उनको मतलब सरेंडर कर दो एंड दे विल कीप यू लाइक अ प्रिंसेस. सो दैट्स हाउ आई एम राइट नाउ फीलिंग बिकॉज द सर्विस इज रियली नाइस, द एम्बियंस इज राइट एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड इट्स रियली नाइस. आपने जो सर्विस यूज़ किया ओके, मैंने यूज़ किया पेडिक्योर एंड मुझे बहुत रिलैक्सिंग फील होता है जब मेरे लेग्स रिलैक्स्ड हों और अच्छे से हो. एंड यू नो जो आप चेयर देख रहे हैं ये बड़ी अच्छी चेयर है क्योंकि पैर में तो मसाज हो ही रही थी, साथ साथ में मेरे बैक में भी अच्छी मसाज हो रही थी बिकॉज ये बड़ी अच्छी मसाजिंग चेयर है. और साथ में इन्होंने म्यूज़िक की फैसिलिटी भी अवेलेबल की है जो मैं अपनी चॉइस के हिसाब से अपना म्यूज़िक प्ले कर सकती हूँ, विच इज़ अगेन वेरी नाइस क्योंकि आप रिलैक्सेशन के साथ साथ अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में बैठे हैं. सो इट्स रियली नाइस एंड मुझे लगता है कि मुझे तो शायद हर बार यहीं आना पड़ेगा. तो कुछ अपनी तरफ से इनको जो पहला ऐसा अंडररूफ मतलब इट्स रियली नाइस बिकॉज जब आपको हर चीज़ एक रूफ के अंडर मिलती है तो आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है क्योंकि कई बार हमें कोई चीज़ों के बारे में पता नहीं होता तो जब हम वहाँ आते हैं और दूसरी चीज़ों से एक्सपोज होते हैं तो समवेयर हम लोग उन चीज़ों के बारे में और जानते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं विच इज़ गुड फॉर अस. सो आई एम रियली हैप्पी, आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड यू एंड मी इज रियली फॉर यू एंड मी. So I'm so looking forward and wish them all the very best. Being an actress, Shweta, आपके लिए क्या-क्या जैसे हम लोग देखते हैं like female को अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तो ये ऐसा एक opportunity मिला है कि एक ही सब कुछ मिल रहा है, उसके बारे में मैं वही बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे मतलब हेड टू टो हर चीज़ की सर्विस अवेलेबल है, फ्रॉम योर हेयर टू योर नेल आर्ट्स टू मैनीक्योर पेडिक्योर टू ब्यूटी रिजीम्स एवरीथिंग. सो क्या होता है लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, जैसे अगर मैं सिर्फ एक चीज़ करने के लिए आई हूँ तो मैं दो और चीज़ साथ में कर लूँगी एंड कहीं ना कहीं आप अलग अलग जगह जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो जब आपको एक रूफ के अंदर एक जगह सब चीज़ें मिलती हैं तो आप जब एक चीज़ के लिए आते हो साथ में आप दो तीन चार चीज़ें और करवा लेते हो बिकॉज इट सेव्स योर टाइम, ट्रैवलिंग टाइम सेव हो जाता है आपका. आप एक ही जगह में बैठे हैं तो आप तीन चार फैसिलिटी एक साथ यूज़ कर सकते हैं विच इज़ रियली नाइस. और स्पेसिफिकली जब लाइफ बहुत हेक्टिक हो तो आप उतना ट्रैवलिंग पे वेस्ट नहीं करना चाहते टाइम. सो दिस इज़ रियली ग्रेट concept and I'm so liking it. Thank you. क्या है जहाँ पे एक एक्ट्रेस के लिए बहुत जरूरी है, एक डिजाइनर के लिए जो सब कुछ यहीं पे मिल जा रहा है, लाइक मैनीक्योरिंग पेडिक्योरिंग फिर जो मेडिकेशन की चीजें जो होती है बोटॉक्स से लेके हेयर ग्रोथ की, तो सारी चीजें यहीं पे मिल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? It's a great idea and I'm really liking it. एक ही छत के नीचे आपको ब्यूटी क्लिनिक एंड कॉस्मेटिक सर्विस एंड हेल्थ एक ही छत के नीचे मिल रहा है, तो इट्स सेविंग योर टाइम. पहले सबसे बड़ी बात है आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ता है, नहीं तो आप ब्यूटी के लिए कहीं और जा रहे हो और हेल्थ के लिए कहीं जा रहे हो, तो इट्स अ ग्रेट आइडिया. अंडर वन रूफ यू आर गेटिंग एवरीथिंग एंड नाउ डेज ये इतने हैक्टिक और टेंशन भरे ज़िंदगी में इट वर्क्स लाइक एंड यू नो यू कैन से एस्केप आइलैंड, जहाँ पे यू नो आप अपनी चिंता और वरीज को भुलाकर थोड़े समय के लिए टेंशन फ्री हो सकते हैं एंड यू कैन रिफ्रेश योर बॉडी माइंड एंड सोल. सो इट्स रियली रियली ग्रेट आइडिया एंड आई एम लाइकिंग द सर्विस. एवरीथिंग इज सुपर्ब, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स आर रियली वंडरफुल, बोटॉक्स एंड ऑल एवरीथिंग एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक वेरी प्रिटी. सो दैट्स इट, आई थिंक वंडरफुल आइडिया. And I'm glad I'm a part of this event and wishing you all the very best for the honor and the management. And you and me is a wonderful, beautiful, wonderful and great you know hub where you can come and enjoy yourself. Thank you. आज जो UNB की तरफ से जो फैसिलिटी आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में बताइए कि क्या यूज कर रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा, आज सबसे पहले तो मैंने पेडिक्योर कर रही हूँ और सबसे पहले तो मसाज, जो ये मसाज चेयर है इट्स रियली रियली गुड
जो आपको मसाज भी मिल रही है और आपको सर्विस भी मिल रही है. और जो हमारे जो सर्विस हमें दे रहे हैं, ही इज़ रियली ग्रेट एंड पूरा प्रॉपर. आप क्यूटिकल देख रहे हैं, क्यूटिकल निकाल रहे हैं एंड नाइसली ही इज़ डूइंग एंड पैम्परिंग. सो आई एम गेटिंग पैम्पर्ड. थैंक यू. यू एंड मी एक अच्छा सैलून है यार. मतलब दोस्त है बबलू भाई और हमारे मामू जी हैं यहाँ पे, इरशाद मामू. तो इरशाद मामू है, पारुल मेरी दोस्त है. सबके लिए मतलब आप तो जानते हैं भाई, मैं तो सबका वेलविशर हूँ. मोहब्बत से बुलाओगे आऊँगा. नाइस प्लेस यू एंड मी. आप लोगों यहाँ पे आना चाहिए यार. यू एंड मी, नॉट यू एंड मी अदर, यू एंड योर गर्लफ्रेंड. बस सच बताओ, मेरे को टाइम वेस्ट लगता. मुझे तो मर्दों को नहीं जाना चाहिए, पार्लर होता है औरतों के लिए. मर्दों को नाखून वाखून घर पे अच्छे से काटने चाहिए. और जुम्मा को फ्राइडे के दिन नमाज के पहले काट लो सब ठीक ठाक से. और बाकी मर्दों को मेकअप वगैरह मैं करता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह. और बाल कटवाने में हाँ अपना एक ही स्टाइल से उसके पास जाता हूँ. बाकी ये लड़कियों के लिए अच्छी चीज़ है. लड़कियों को अपने आप को पैम्पर करना चाहिए. मसाज मैं कराता हूँ, बॉडी मसाज, वो भी एकदम तगड़े आदमी से जिसमें पावर हो. तो ये यू एंड आई लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. मैं गर्म पानी करता हूँ और गर्म पानी से नहाता हूँ. उसके बाद मेरी माँ से मेरी नज़र उतरवाता हूँ, सब सही हो जाता है. पार्लर जैसे मैंने बोला ऐसा नहीं है, लड़के भी जाते हैं आजकल, तो आप तो जानते ही है. ठीक है, लेकिन वैसे चलता है. लड़कों को भी थोड़े लड़कियों वाले काम करने चाहिए जो आजकल लोग कर भी रहे. ठीक है, नो प्रॉब्लम. लेकिन बोलिए बोलिए. इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहते हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा लव डे है, बहुत जल्दी आने वाला इंशाल्लाह ताला. मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी किसी भी फिल्म को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जा रही है. बट ठीक है, सवाल जहर का नहीं है, वो तो मैं पी गया. तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया. मेरे फैंस मुझसे इतना प्यार करते हैं कि उनकी दुआओं से हो रहा है धीरे धीरे इंशाल्लाह. क्योंकि घोड़ों को नहीं मिलती घास और गधे खा रहे हैं चमन प्रास. आप लोग तो जानते ही, आपसे क्या छुपाऊँ. समझे कि नहीं समझे. बाकी ये है कि प्रत्युषा की जो सुसाइड की इन लोग ने खबर बना के, वो सबसे पहले मैंने ही बोला था. मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये मर्डर है. और सब लोग मिले हुए हैं, मुझे उस केस से हटा दिया गया. अब मैं कहाँ जाके क्या पेपर मांगूँ, मैं किससे बोलूँ मुझे ये वाला पेपर दो, वो वाला पेपर दो. अब वो राहुल राज सिंह को इन्होंने अस्पताल में उसके सीने में दर्द आ रहा है.
और मैंने कोई भी काम पब्लिसिटी के लिए नहीं किया। आप मीडिया भी जानती है, दुनिया जानती है, मैं जो बोलता हूँ वो पब्लिसिटी बनती है, वो न्यूज़ बनती है। मैं मीडिया को भी ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ सबको, क्योंकि सच बोलने के लिए पिछवाड़े में बहुत दम चाहिए, जो यहाँ पे बहुत कम लोगों के पास है। इसीलिए मैं सच बोलता हूँ, और आप तो जानते हैं यहाँ तो क्या हो रहा है। अंधेर नगरी है, काणा राजा है, गरीब मारे जा रहे, अमीर और अमीर होते जा रहा है, दूध के भाव में पानी बिक रहा है, शराब उधार मिल रही है, दूध पैसों से मिल रही है, दाल का भाव बढ़ गया है, आटे का भाव बढ़ गया है, गरीब की तो बाजार है ये। गरीब और जागो, हिंदी पिक्चर में देखते ना, एकदम रेले में निकलते अमीर लोग को देते, उस तरह करना पड़ेगा बेटा, नहीं तो थोड़े टाइम में बम्बई में तो घर भी नहीं होंगे गरीब लोगों के लिए। थाना, वासी, विरार, बेटा तैयार रहो जाने के लिए। और अगर ये नहीं हुआ तो अमीर लोग के घर में उनका काम करने का, उनकी गाड़ी धोने की, उनकी गाड़ी चलाने की, उनके बच्चे संभालने के, यही करो। गांधी जी इसलिए तुमको आज़ादी दे के गए, भगत सिंह इसलिए फांसी पे लटक गए, समझे कि नहीं समझे, कि तू एक चमाट, जागो बे, चलो भाई। ऐसे एकदम रॉ, हार्ड और नेचुरल रहना चाहता हूँ। मेरे को लगता है वो लड़के जो मैनिक्योर पेडिक्योर में बिलीव करते हैं, उनको चूड़ियों में और कंगनों में भी बिलीव करना चाहिए और पहन लेना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से हाँ, इंसान को अपने हाथ साफ रखने चाहिए, पर हार्ड हाथ ही तो यार मर्द की पहचान होते हैं। इसके अलावा यू एंड मी के बारे में क्या कहना चाहिए? यू एंड मी बहुत अच्छा सलून है, मैं अंदर आया, मेरे को बड़ी पॉजिटिव फीलिंग हुई है, और इनका जो सेटअप है बहुत अच्छा है, और होपफुली भगवान इनको तरक्की दे। इसके अलावा जब शूटिंग के बिजी शेड्यूल से जब थक के आते हैं तो कितना रिलैक्स करना पसंद करते हैं, कोई ऐसा कोई किस्सा शेयर करना चाहते हैं? वेल, मैं जब मतलब ऐसा होता है कि 2-3 महीने लगातार वर्कआउट होता है, सब कुछ होता है, तो उसके बाद मैं एक बॉडी मसाज ले लेता हूँ। एक हमारे बहुत खास है सर भाई, उनसे उनको बुलाता हूँ और बॉडी मसाज कराता हूँ, क्योंकि वो मसल के लिए ज़रूरी होता है। बाकी यहाँ हैंड मसाज और ये सब चीज़ों में ज़्यादा मेरे को शौक ही नहीं है इतना, जो मैं सोचता हूँ अच्छा है कि पैसे भी बच गए उस शौक के उससे, और बाकी टाइम भी बच गया। सिद्धार्थ, इसके अलावा काफ़ी लंबा समय हो गया हाँ। आपको स्क्रीन पर देखे। तो अभी मैं चल रहा हूँ स्क्रीन यार, तो आपको स्क्रीन देखे बहुत टाइम हो गया मेरे को लग रहा है। अपकमिंग प्रोजेक्ट क्यों? मैं अभी फेयर फैक्टर किया, अभी BCL में भी मैं चल रहा हूँ, मेरे को चला रहे हैं वो लोग, देखो ना वो कोई बड़े पर्दे पर कोई प्रोजेक्ट। हाँ, मैं अभी 2 फिल्में कर रहा हूँ, इनके बारे में बता नहीं सकता, पर काफ़ी अच्छे लेवल की फिल्में हैं, और बॉलीवुड है ऑफकोर्स, रीजनल में करता अभी तक की नहीं है, और जब आएंगी तो ज़रूर, जब उसकी रिलीज डेट पास में आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके।